मोहर आप रहिएगा, इस बड़ी खबर पर लौटेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं, सुन लेते हैं। बनेंगे अगले 5 वर्ष के अंदर सभी को मकान दे देंगे, ये कार्य आखिर कांग्रेस सपा क्यों नहीं करा पाई, बसपा क्यों नहीं करा पाई, कोई अन्य दल क्यों नहीं करा पाए? कारण है इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं। हमने विकास भी कराया है, सुरक्षा भी दी है, सम्मान भी बढ़ाया है, गरीबों का कल्याण भी किया है, बड़ी बड़ी योजनाओं को आपके यहां तक पहुंचाने का काम भी किया है, और बहनों और भाइयों वह काम भी किया है जो लोक को भी सुधारेगा और परलोक को भी सुधारेगा। वह काम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण। आप मुझे बताओ रामपुर खास के कितने लोग, प्रतापगढ़ के कितने लोग अयोध्या में दर्शन करके आ गए? काफी लोग करके आ गए। अब आप जाइए, दर्शन चुनाव के बाद जरूर दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप जाएंगे ना, अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे। एक नई अयोध्या बना दी, अयोध्या नया अयोध्या, क्योंकि राम हमारी आस्था है, राम के बगैर हमारा काम नहीं। और इसीलिए दुनिया कह रही है जो राम को लाए हैं हम, जो राम को लाए हैं भाई, हम तो राम भक्त हैं। मुझे लगता आप में भी सभी लोग राम भक्त होंगे। क्यों राम भक्त हो गया? कितने लोग राम भक्त हैं दोस्तों, मुझे बताओ, हाथ नीचे करो। कितने लोग रावण भक्त हैं? रावण भक्त तो कोई नहीं होगा ना, क्योंकि राम भक्त जहां कहीं भी रहेगा सुख और शांति से रहेगा, वह देश के बारे में सोचेगा, लोक के बारे में सोचेगा, गरीब के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और जो राष्ट्रद्रोही है, रामद्रोही है, वह रामद्रोही भी है। जो रामद्रोही है वह राष्ट्रद्रोही भी है, विकास का विरोधी है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया है, आतंकवादी है, अराजकता पैदा करता है। इन सब के डीएनए एक जैसे हैं, डीएनए की जो थ्योरी, एक जैसे लोग एक साथ मिलकर के फिर अराजकता फैलाते हैं। पहले ये लोग दंगा करते थे यूपी में,